हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारो, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखिए, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं, वो ये पूछते हैं कि अगर हम आउट पास लें और हम यहाँ से एग्जिट कर दें कंट्री, तो क्या हम दोबारा वापस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या क्या दोबारा हम इनसाइड द कंट्री आ सकते हैं या नहीं। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखें, आउट पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप आउट पास, एक न्यू बॉर्न बेबी, कोई भी अगर नया बच्चा अगर यहाँ पे पैदा हुआ, उसकी जो फैमिली जो है, उसकी जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हमने इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे नहीं करनी, वो हमने अपनी कंट्री के अंदर करनी है, तो उसके लिए वो एक आउट पास बनता है। वो अगर आप आउट पास लेके जाओगे तो टेंशन नहीं है, आप वापस आ सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड, अगर तो आपके ऊपर कोई फाइन है, चाहे विजिट वीज़ा है या रेजिडेंस वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, अगर उसके ऊपर फाइन है और वो आप, या केस भी अगर आपके ऊपर है और आप वो क्लियर करके, ये आप ध्यान में रख लें, अगर आपके ऊपर फाइन है, चाहे विजिट वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है, चाहे कोई भी केस है, किसी किस्म का भी केस है, अगर आप वो सेटल करके वो फिनिश करके, वो ख़त्म करके आउट पास लेके जब एग्जिट करते हो कंट्री, तो आप वापस आ सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर आप वापस नहीं आ सकते। वो कौन सी कैटेगरीज हो सकती है? हो सकता है मेरे ऊपर फाइन है, ओवरस्टे हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आउट पास दें, मैंने ट्रैवल करना है, मैंने जाना है। वो क्या करेंगे, आपको मौका देंगे 3 दिन का, आपको आउट पास देंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन वो आपकी आई स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आप कभी वापस नहीं आ सकते। जब आप अपना केस कोई भी है सेटल नहीं करके जाते, आप कभी वापस नहीं आ सकते। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए तो बेवली सरकार को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।